your batchmate? Hi, मैं हारून अल रशीद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ धुबरी मेडिकल कॉलेज. और एक क्लास का सीआर है. मैं दीपज्योति, क्लास का क्या बोलू क्लास दाढ़ी वोरी रखने वाला इंसान, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ठीक है, इंट्रोवर्ट हूँ. मेरा नाम है राहुल मिश्रा, और क्या बोलू बस इतना ही है मेरा क्लास में इम्पोर्टेंट, ठीक है. अभी मैं जाऊंगा हॉस्टल के बाहर से, मतलब शुरू करूंगा, तो मेरे साथ आएगा हमारा क्लास का सीनियर हारून. क्या बोलना चाहोगे मतलब हॉस्टल के बारे में? हमारे हॉस्टल थर्ड फ्लोर तक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. अभी फिलहाल जो हम लोग फर्स्ट बैच है DMCH का, हम लोग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हम लोगों को अलॉट किया है, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर खाली है, पूरा वैकेंट है. तो जूनियर आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड थर्ड फ्लोर में अलॉट होगा जूनियर्स को, यही है. बाकी तो फैसिलिटीज वगैरह सभी है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी भी है ऑलमोस्ट 24 आवर्स, कभी कभार चला जाता है वो अलग बात है. हाँ, नहीं, बहुत जल्दी आता, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आ भी वही अच्छा बात है. हम लोग का हॉस्टल की खास बात यही है कि कारण अगर चला भी जाता है तो बहुत जल्दी आ भी जाता है. और मतलब क्या बोलना चाहोगे जूनियर के लिए? यही बोलना चाहूंगा कि आ जाओ, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, है कि नहीं. तुम लोग अपना सीनियर्स का रेस्पेक्ट करना, हम लोग तुमको अपना जूनियर की तरह प्यार देंगे, है कि नहीं. हाँ, यही हाँ. बात है. वही मतलब बहुत सारा जूनियर डरते हैं ना, कितना रैगिंग होगा पता नहीं. ना ना, रैगिंग तो कुछ भी नहीं है. हम लोगों ने डिसाइड किया कि रैगिंग टोटल जीरो, इधर नो रैगिंग, जस्ट इंट्रोडक्शन होगा बस सीनियर के साथ, ताकि फ्री हो जाओ. My name is Mukul Alam, the president of Student Union of Dhubri Medical College. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हॉस्टल में एंट्री करने से एक रजिस्टर यहाँ मिल जाता है. इस रजिस्टर में अगर आप 10 बजे के अंदर आते हैं तो आपको साइन करने की जरूरत नहीं. अगर मेरे साथ है हमारा क्लास का, क्या बोलना चाहेंगे ये, क्या कर रहे हो भाई इधर, कुछ बोलना चाहोगे जूनियर के लिए? कपड़ा धो रहे थे. कपड़ा धो रहे हो? अच्छा, कपड़ा धोना कितना मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान काम. बहुत आसान काम, मेरा भी धो देना. तो इधर आप लोग देख सकते हैं एक्वागार्ड वाटर फिल्टर है, वाटर प्यूरिफायर है, जो हर फ्लोर में दिया जाता है. जैसे आप अब स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में है, तो ग्राउंड फ्लोर में एक्वागार्ड है और फर्स्ट फ्लोर में कैंट आरओ है. जैसे स्टूडेंट और आएगा तो थर्ड फ्लोर में भी दिया जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं ये कपड़ा धोने का जगह है, यहाँ पे सब लोग आके मतलब कपड़ा धो सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा मतलब जगह दिया गया है. तो ये है हमारा बाथरूम, हर फ्लोर में ऐसा मतलब दोनों कॉर्नर पे दो साइड में ये बाथरूम ऐसा दिया गया है हर फ्लोर में. फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे भी फिल्टर है, आप लोग देख सकते हैं इधर भी फिल्टर है, और इस साइड में बाथरूम है. आप लोगों को बाथरूम दिखाया है, अभी नहीं दिखाऊंगा. तो अभी मैं दिखाऊंगा हमारा कॉमन रूम, जहाँ पे मतलब हम लोग किसी अगर मीटिंग रहता है स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर आएगा तो यहाँ पे मीटिंग करते हैं.
साथ एक बैल्कोनी अटैच्ड है। बैल्कोनी भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये बैल्कोनी है और इधर आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने व्यू दिखा, हाँ ये मतलब पूरा गांव दिखता है साइड से, ये बैल्कोनी से बहुत ही अच्छा नजर आई। ये साइड में देख सकते हैं, ये वॉल है पूरा कैंपस का, साइड में पूरा वॉल है, वो वॉल भी दिख रहा है। तो यहाँ मतलब बहुत ही सुंदर सा व्यू आता है। यहाँ पे रास्ता भी दिखा थोड़ा, ये कॉलेज का रास्ता, यहाँ पे मतलब गाड़ी जाता है, स्टूडेंट भी जाते हैं इस साइड से। तो इधर से जाके मतलब सामने वो एकेडमिक ब्लॉक मिलता है और पीछे है अंदर में वो गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ से नहीं दिख रहा है गर्ल्स हॉस्टल और टीचर्स का क्वार्टर उधर। हाँ तो देख सकते हैं, ये मैंने जूते भी धो दिए हैं सब। ये देखिए आप लोग, हर रूम में मतलब हर स्टूडेंट के लिए एक बेड दिया गया जो कि देना ही चाहिए, और एक टेबल दिया गया और एक चेयर दिया गया है। ये देखो कितना सुंदर सा चेयर दिया गया है। तो इधर में मैं लगाया हूँ मतलब वो BDC का सब डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये इंडिया का मैप है जो बीच बीच में मतलब अगर किसी जगह को देखना है तो मैं देखता हूँ। और इधर है स्टेथोस्कोप, कॉलेज का ID है ये मैं लगाया हूँ, और साथ में ये वार्डरोब भी दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग बहुत चीज़ें रख सकते हैं, कपड़ा भी रख सकते हैं। ये अंदर में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं कितना कपड़ा भी है मेरा, थोड़ा ही दिखा देता हूँ। और इतना ही मतलब रूम का फैसिलिटीज है। ये मेरा रूममेट, दो रूममेट है मेरा, वो घर चला गया, देखो ये कितना गंदा हुआ रखा है। वो लोग आ जाएगा तो अच्छा साफ हो जाएगा फिर। तो ये रूम में एक विंडो है, अच्छा विंडो, अगर लाइट का कमी पड़ जाए तो ये विंडो खोल के हम लोग रहते हैं। तो आजकल ये इस वीडियो में इतना ही था। मैंने कोशिश किया आप लोगों को हॉस्टल टूर मतलब हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज है वो सब दिखाने के कोशिश किया है। तो कुछ रह गया अगर तो आप लोगों को जानना है तो कमेंट कीजिए नीचे, और मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पहले वीडियो मिलेगा देखने को। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो, अगर किसी वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में डालने के लिए। तो आज के लिए बाय। yeah!